पूरे सम्मेलन का दिवस मनाना चाहता हूँ। मैं बताऊँ, मैं तो गांव का आदमी, मेरी घरवाली इंग्लिश मीडियम की, वो तो कहती है मेरे पल्ले नहीं पड़ती। जब मैं मारवाड़ी में कुछ सरकाता हूँ तो उसके पल्ले नहीं पड़ती। एक दिन लाड लाड में मैंने उसको यूं कह दिया, तू तो गेल ली है। उसने मेरे से पूछ लिया, व्हाट इज मींस ऑफ गेली। मैं ये थोड़ी कहता तू बावली है। अरे मैंने कहा गेली मींस लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होकर मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये अपने राजस्थान की मस्ती है सबको। अच्छा मैं बताऊं, मैं गांव लाडनू का रहने वाला हूँ, आजकल जयपुर शिफ्ट हो गया, और जब से जयपुर शिफ्ट हुआ हूँ मेरी घरवाली को भी शहर की जो कल्चर है, शहर के जो यहाँ के संस्कार है, मॉडर्न होने का जो चस्का है, वो मेरी घरवाली को लग गया। मैं जिस पार्टी में जाता हूँ जयपुर में, तो वो मेरे साथ जाते तो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले तुम मर्द लोग नहीं समझते, ये महिलाओं का कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। पिंक सिटी में रहते हैं, गुलाबी नगरी में, पिंक सिटी में पिंक साड़ी। और मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, बादल जी वो लाल साड़ी पहन के गए, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीलीभीत गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। दुबे जी मैंने तो अज्ञात आसन करके चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। तीन चार दिन तक कोई विवाद का हल नहीं निकला।
केशव देव मारवाड़ी ने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा आदरणीय जी आप तो इस बात पर लड़ रहे हो कि संबंधों की न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए, लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी, दिग्विजय जी, आसाराम बापू जी, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले अधिकतम उम्र की सीमा तय करो। मतलब मूल मुद्दे पर जब तक अपन नहीं आते तब तक समस्या का समाधान अपन ढंग से नहीं निकलते। और ये इस बातें आपको मैं इसलिए दौड़ने दौड़ाने बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बीच कोई इंटेलिजेंट कवि है। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ, वो मैं इंटेलिजेंट आज से नहीं हूँ, मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट हूँ। मैं तो इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो तीसरी क्लास में साइंस बायोलॉजी ले ली थी। हाँ, मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। जब क्लास में किसी सवाल का जवाब कोई नहीं देता, केशव देव मारवाड़ी गुरु जी को निपटाता था। एक सवाल और सवाल का जवाब आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपके अंदर गांव की जो मस्ती है वो लाना चाहता हूँ, और मेरे सवाल का जवाब आपको पसंद आए तो फिर पीछे तक तालियां चाहता हूँ। सवाल सुनना, सवाल का जवाब सुनना। एक दिन साइंस के गुरु जी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। साइंस के गुरु जी, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, कोई दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार साइंस के क्वेश्चन को तुम गलत किस कारण कहते हैं? मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले वो जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। अपने अपने गांव की बेसिक साइंस में यही है। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले एग्जांपल देके बताओ रामलाल। तो रामलाल ने कहा सर दाल, दाल, दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल कि यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे? तो अपन ने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो ठोस होती है, सॉलिड होती है, जब मम्मी उसे बनाती है तो वो द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। इस प्रकार से तीनों अवस्था में मिलती। गुरुजी ने अगला सवाल किया, अभी वो मैडम कह रहे थे चांद देखना हो तो रात में आ जाओ, तो दिन में थोड़ी देख जाएंगे। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। बच्चे बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे, पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उत्तम मचाते हैं उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। गुरुजी ने क्वेश्चन चेंज कर लिया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के परसेंटाइल क्या क्या, अनुपात क्या क्या है वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। और मेरा दावा है सवाल का सही जवाब तो सिर्फ राजस्थान का आदमी दे सकता है। गुरुजी ने क्वेश्चन किया वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ, पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं, सर रहने दो, आज क्लास में 5 साल लड़के मोट खाकर आए हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई बादल ने मेरी पोल खोल दी।
गुरुजी लक लेकर आए, मेरी चमड़ी खोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा, सर इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया, पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। ले पढ़ रही है ना मेरी बात? अरे अब की बार गुरुजी और कॉम्प्लिकेटेड साइंस पे आ गए। गुरुजी मेरे को उलझाना चाह रहे थे, मेरे को कहा हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। देखा आधे घंटे तक छोरा फुट हो गया। अब अपने हृदय का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कैलाश जी मंडेला बहुत पढ़े लिखे आदमी, उनका हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। मैंने कहा कैलाश जी हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ। बोले हार्ट। मैंने मोना जी से पूछ लिया हार्ट मतलब, बोले दिल। और मैंने कहा दिल का नामांकित चित्र बनाना है। अपने को प्रैक्टिस है पुरानी, कई बुजुर्गों ने भी की होगी, वो पान वाला चित्र बनाया। देखा नमन की चित्र बनाओ, अपने वो पान वाला चित्र बनाया, बीच में तीर का निशान भी फसाया। और गुरुजी ने कहा नामांकित, तो अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, सुनीता, कविता। गुरुजी बताओ और किता। गुरुजी समझ गए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट बदल लिया। मेरे को कहा मैथमेटिक्स आती है? मैंने कहा गुरुजी अपने तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। बोले चल एक सवाल का जवाब दो। मेरे को गुरुजी उड़ जाना चाहे, बोलो देख तेरे घर में एक बाल्टी 10 लीटर की है, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 7 घंटे। जैसे कहा यार ध्यान से सुन सवाल, तेरे घर में एक बाल्टी 10 लीटर की है, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में अगर 1 घंटा लगता है तो 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा सर 7 घंटे। यार तू पढ़ता लिखता नहीं है, तेरी मैथमेटिक्स की जो है अरे वो प्रश्नों की चुकेड़ी है। मैंने कहा सर नहीं, मेरी बड़ी वाली बात भी फूटेड़ी है। अरे भाई वाह वाह वाह, भाई अपनी प्रॉब्लम गुरुजी को थोड़ी पता है। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया, बोले संस्कृत कैसी है? मैंने कहा अपनी संस्कृत तो बहुत बढ़िया है। बोले कोई संस्कृत का नीतिगत श्लोक सुना के बताओ। मैंने कहा सर सुन लो, धन्नो लावति हृदय त्वया प्रसन्नति लजाया प्रसन्नमस्ति। गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने ऐसा कोई नीतिगत वाक्य नहीं सुना था। गुरुजी ने कहा दे दोबारा सुनाओ और उसका हिंदी अर्थ भी बताओ। मैंने कहा सर सुन लो, धन्नो लावति हृदय त्वया प्रसन्नति लजाया प्रसन्नमस्ति अर्थात चल धन्नो, आज प्रसन्नति की इज्जत का सवाल है। गुरुजी समझ गए इसकी डीप स्टडी की हुई है। गुरुजी का देख मैं तेरे को संस्कृत का श्लोक देता हूँ, तुम बताओ इस। मैंने कहा सर श्लोक सुनो, हिंदी अर्थ में बनाता हूँ। गुरुजी ने वो श्लोक दे दिया मेरे को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पाक भवेत्। बोले इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। अच्छा सर्वे संतु निरामया, नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में ही पानी मिलाकर पीना भी है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् तु पाक भवेत्, हे मां अब भागकर में भी दम तो खा भाई। बहुत बढ़िया, वो इतनी बात नहीं है माता जी। मेरे प्रॉब्लम दूसरी थी, जब मैं 10th में पहुंचा ना तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अफगानिस्तान जैसी थी। बोर्ड का फॉर्म भरने के पैसे नहीं, किसी ने कहा कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैंने कहा बच्चों की तो भगवान सबसे पहले सुनते हैं, अपन ने भगवान के लेटर लिख दिया डायरेक्ट। मैंने कहा डियर भगवान जी बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता है, तत्काल भेजो, अगर नहीं भेजा 1 साल मेरा खराब हो गया तो उसके डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल आप भगवान श्री राम बेकुंड धाम लिख करके पोस्ट कर दिया। लेकर पोस्टमैन बेचारा 5 दिन तक परेशान इधर उधर घूमता रहा, उसको भगवान श्री राम का एड्रेस नहीं मिला। अरे मिलता भी कैसे, बीजेपी वालों को 25 साल से नहीं मिल रही है। आखिर पोस्टमैन ने लेटर खोल के देखा, देखा अंदर कोई क्लू मिल जाए, अंदर देखा तो उसको दया आ गई, बच्चे की एप्लीकेशन फ्यूचर का सवाल, 1 साल खराब हो सकता है,
वो वापस पोस्ट ऑफिस में गया, स्टाफ को इकट्ठा किया और बोले देखो एक बच्चे के बोर्ड के लिए हेल्प करनी है, सहायता दो। तो किसी ने हेल्प करने के लिए पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने आपस में चंदा किया, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, कोई राकेश के साहब जैसे बड़े दानवीर थे 1 रुपया नकदी खिला दिया। भाई साहब कुल मिला करके 800 रुपए हो गए, 800 रुपए का मेरे मनी ऑर्डर आ गया। अपन ने जैसे तैसे काम चलाया, वो फर्म रहा, वापस भगवान को थैंक्स लिखा, धन्यवाद देख लिखा, मैंने कहा डियर भगवान जी मेरी मेरी थैंक्स, आपकी कृपा से मेरे 1 साल खराब होने से बच गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे 1000 रुपए की आवश्यकता थी, और शायद आपने भी 1000 रुपए भेजे होंगे, बीच में 200 रुपए पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। अब की बार भेजो तो कोई पेटीएम से, मनी ऑर्डर से, दूसरे सिस्टम से भेज देना।